हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें दोनों ही फोन अंडर 20,000 या अंडर 25,000 की कैटेगरी के ये दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं। जिसमें पहला जो फोन है वो यहाँ पे रियलमी का P2 Pro 5G जो फिलहाल अभी अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा IQ का Z9S 5G। ये दोनों ही फोन अंडर 20,000 की, हालांकि सेम प्राइस है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अंडर 25,000 है उसमें भी आपको ये दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसी दो फोन के बीच में और इसी प्राइस सेगमेंट में कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहां पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करें। पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो रियलमी के P2 Pro 5G में देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। पंचोर कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 2000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो रियलमी का 13 प्रो प्लस आया था वैसी ही वाली सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन वहीं पे IQ के Z9S 5G की बात करूं तो इसमें आपको 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। पंचोर कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे फ्रंट में आपको स्कॉट सेंसेशन का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ऑल टुगेदर डिजाइन है वो यहाँ पे वीवो के V14 सीरीज जैसी डिजाइन देखने को मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बराबर है रियलमी के मुकाबले। हाँ, लेकिन साइज में फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी ऑल टुगेदर डिस्प्ले भी अच्छी खासी दोनों ही फोन की बराबर सी है। हाँ, पीक ब्राइटनेस में आपको चेंजेस यानी कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऑल टुगेदर डिस्प्ले है वो दोनों ही फोन की हम कह सकते हैं बराबर जैसी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। रियलमी के P2 Pro 5G में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4nm पे काम करता है, और यहाँ पे ऑक्टोकोर पॉड है 2.4 GHz पे क्लॉक्ड, और यहाँ पे एड्रिनो का 710 वाला GPU देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, इतना बुरा नहीं, जो कि रियलमी के 13 Pro Plus 5G में भी देखने को मिला था, जो वही सेम है, मैं यही कहूंगा फोन के बीच में। और यहाँ पे IQ का Z9S है, उसमें आपको MediaTek का Dimensity का 7300 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, ये भी 4nm पे काम करता है, ऑक्टोकोर पॉड है 2.5 GHz पे क्लॉक्ड, और यहाँ पे मालिक का G615 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे भी एक स्मूथली वर्क करती है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे रियलमी के मुकाबले बात करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर यहाँ पे IQ के Z9S वाला जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देखने को मिल जाता है Dimensity 7300, क्योंकि 7S Gen 2 है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो CPU है वो थोड़ा सा स्लाइटली अंडररेटेड देखने को मिल जाता है एज कंपेरेटिवली 7300। बाकी क्या आपका ओपिनियन है मुझे वो भी कमेंट में जरूर बताना एज अ परफॉर्मेंस वाइज। बाकी मुझे परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर लगी यहाँ पे IQ के फोन की। बात करते हैं पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। रियलमी के P2 Pro 5G में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 12GB रैम, 256GB की स्टोरेज, और यहाँ पे 12GB की रैम, 512GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहीं पे IQ के Z9S 5G में भी आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB, 128GB, 8GB, 256GB और 12GB, 256GB के साथ तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे भी कोई एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलती। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले दोनों फोन हम कह सकते हैं तीन तीन वेरिएंट है, लेकिन अगर 512GB वाला वेरिएंट चाहिए तो रियलमी के फोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली बात है रियलमी का फोन यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है, जबकि IQ के फोन में यहाँ पे UFS 2.2 ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। रियलमी के P2 Pro 5G में आपको 15MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.8 एपर्चर के साथ में, जो कि सोनी LYT 600 सेंसर के साथ देखने को मिलता है। दूसरा आपको 8MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा और ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। कैमरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा ही है, ज्यादा यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन वहीं पे IQ के Z9S 5G में आपको 15MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिससे सोनी IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे F1.79 एपर्चर के साथ आपको 2 MP का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको ऑरा यानी कि रिंग LED लाइट फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। मेरे हिसाब से अगर आपको डेडिकेटेडली अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए तो यहाँ पे रियलमी का फोन बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे IQ का Z9S है उसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी कमी लगी। तो कैमरा वाइज यहाँ पे रियलमी का फोन थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। यहाँ पे रियलमी के P2 Pro 5G में आपको 32 MP की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सोनी सेंसर
है, हालांकि कौन सा है वो कंपनी ने नहीं बताया। F2.45 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और यहाँ पे 4K और 1080 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पे 16 का सपोर्ट नहीं है लेकिन 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सेल्फी कैमरा भी बहुत ही तगड़ा वाला देखने को मिलता है। और वहीं पे IQ के Z9S 5G में आपको 16 MP की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाएगी F2.45 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और यहाँ पे 1080 तक की 13 FPS रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी सेल्फी कैमरा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेरेटिवली IQ के मुकाबले, क्योंकि IQ में आपको नॉर्मल जो 16 MP देखने को मिलता है वैसा ही, लेकिन यहाँ पे वीवो की ऑप्टिमाइजेशन हम कह सकते हैं तो उसके हिसाब से ये भी सेल्फी कैमरा इतना बुरा देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको ज्यादा बेटर आपको मेगापिक्सल काउंट ज्यादा आपको बेटर करता है तो यहाँ पे रियलमी का फोन एज ए सेल्फी कैमरा बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताएंगे यहाँ पे रियलमी के P2 Pro 5G आपको 5200mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, वहीं पे IQ के Z9S 5G में आपको 5500mAh की आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि बैटरी बैकअप ज्यादा है एज कम्पेयर टू रियलमी। लेकिन रियलमी के P2 Pro 5G में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको IQ के Z9S 5G में आपको 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में यहाँ पे रियलमी बेटर देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी के P2 Pro 5G में आपको रियलमी UI 5.0 का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि ब्लोटवेयर से भरा पड़ा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे IQ के Z9S 5G में आपको फ्रंट टच OS 14 का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा बहुत स्टेबल देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर मुझे पर्सनली IQ के फोन में ज्यादा अच्छा लगता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता। दोनों ही फोन में आपको ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट दोनों ही फोन में बराबर सा देखने को मिलता है। ब्लूटूथ का 5.2 आपको रियलमी के फोन में, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.4 IQ के फोन में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों ही फोन ड्यूल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों ही फोन बराबर से, फर्क यहाँ पे ब्लूटूथ के वर्जन में देखने को मिल जाता है, जो कि IQ के फोन में बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे यहाँ पे रियलमी के P2 Pro 5G में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है आपको 20,000 का, दूसरा वेरिएंट आपको 25,000 का और तीसरा वेरिएंट आपको 28,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 17th September को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आज आप परचेज कर सकते हो। लेकिन वहीं पे IQ के Z9S 5G में भी आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वही सेम प्राइस 20,000 का, दूसरा जो फोन वेरिएंट है वो आपको 22,000 का, तीसरा वेरिएंट है आपको 24,000 का ये फोन देखने को मिलेगा। और इसकी भी सेलिंग आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आज आप परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की, तो कौन सा फोन लेना चाहिए। तो पहली बात करें यहाँ पे प्राइस के हिसाब से फोन लेने, तो दोनों ही फोन प्राइस के हिसाब से 20,000 का फोन है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। पहली बात, दोनों ही फोन में आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, तो दोनों की प्राइस सेम है। तो अगर प्राइस सेम के हिसाब से ले जाओ तो दोनों फोन अच्छे है, इतने बुरे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे और अच्छे खासे वेरिएंट में जाते हो, जैसे कि यहाँ पे 12GB 256GB वाला वेरिएंट है, यानी कि रियलमी के फोन में आपको दूसरा है और यहाँ पे IQ के फोन में आपको तीसरा वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो प्राइस के हिसाब से देखने जाओ तो 25,000 का रियलमी का P2 Pro देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको IQ का Z9S है वो आपको 24,000 का ही फोन देखने को मिल जाता है। अगर आप स्टोरेज आप ज्यादा मैटर करता है, अगर आपको यहाँ पे जो बैटरी बैकअप स्लाइटली बेटर आपको ज्यादा चाहिए इसी प्राइस सेगमेंट में, तो मुझे लगता है कि ये फोन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको कैमरा अच्छा खासा चाहिए इसी प्राइस सेगमेंट में, तो मुझे लगता है कि 25,000 आपको पे करना ही पड़ेगा अगर रियलमी का P2 Pro 5G लेते हो और यहाँ पे 12GB 256GB वाला वेरिएंट लेते हो, तो बाकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बेटर करेगा। हालांकि यहाँ पे 22,000 का भी आपको प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है 8GB 256GB, जो कि बीच वाला वेरिएंट है, जो कि यहाँ पे रियलमी के ऐसा फोन में देखने को नहीं मिलता P2 Pro 5G में। तो ये एक फर्क है प्राइस के हिसाब से मैंने बताया। लेकिन अगर स्पेक्स वाइज देखने जाए तो दोनों ही फोन की जो स्पेक्स है वो बहुत ही अच्छी खासी है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कैमरा डिपार्टमेंट में बात करें तो रियलमी का फोन यहाँ पे बीट कर पाता है हमारे IQ के फोन में, तो उस मामले में मुझे लगता है कि रियलमी का फोन लेना चाहिए अगर आपको कैमरा ज्यादा पसंद है तो। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।